दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। और इस समय आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है। सैनिक स्कूल के अंतर्गत आपने देखा होगा कि काउंसलर जो होते हैं उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, केवल एमए साइकोलॉजी होने चाहिए या बीए साइकोलॉजी होने चाहिए। सैलरी 63,758 रुपये सैलरी है, ठीक है। मैंने आपको बोला था 60,000 से ऊपर सैलरी मिलती सैनिक स्कूल में, और यहाँ पे कुछ भी नहीं मांगा था। 21 से और 35 वर्ष इसमें एज लिमिट बताई गई है, और इसमें जो है पढ़ाने लिखाने का काम नहीं होता, केवल काउंसलिंग की जाती है। वहीं पर नर्स जो है सिस्टर के जो है 36,000 रुपये सैलरी इसमें आपको मिलती है, और डिप्लोमा होने चाहिए आपके पास बीएससी नर्सिंग का, ठीक है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियाँ हैं, ये संविदा की भर्तियाँ हैं, ये इसमें जो है ये संविदा की भर्ती है। पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेस मैनेजर का जो है 41,000 रुपये सैलरी है इसमें जो है ना, ये संविदा की भर्ती। और क्लर्क की सैलरी देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था थंबनेल में जो है सैनिक स्कूल के अंतर्गत जो है लोअर डिवीजन क्लर्क की सैलरी इसमें जो है कॉन्ट्रेक्चुअल आई है, ठीक है। 28,258 रुपये सैलरी इसमें बताई गई है, क्लर्क की सैलरी है ये। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्लर्क के अंतर्गत इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है पहले मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। पहले आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो है अगर मेडिकल ऑफिसर बनना है इसमें 75,000 रुपये सैलरी इसमें आपको मिलेगी, ठीक है, इसमें सैनिक स्कूल के अंतर्गत। और यहाँ पर जो है TJT संस्कृत की जो 63,758 रुपये फिक्स सैलरी इसमें आपको दी जाएगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन आप देख ही रहे हैं, क्वालिफिकेशन पूरे यहाँ पे ये लिस्ट यहाँ पे बताई गई है, जो भी है इसका क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं आप। ये सैनिक स्कूल जो निकाला गया है यहाँ पे, सैनिक स्कूल जो है रेवाड़ी और यह है यहाँ पे निकली हैं, हरियाणा में वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। लगभग सभी सैनिक स्कूल में भर्ती आएंगी ये, और अभी जो है वो धीरे धीरे जो है सभी स्कूलों में जो है सैनिक स्कूल में भर्ती आ रही हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत भर्तियाँ आ चुकी हैं ये, यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की भर्ती हो रही है। मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ संविदा वाली भर्ती है ये, ठीक है। आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, सभी पदों पर भर्ती आ चुकी हैं। और अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। अब जाओ कैसे भैया, ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, वहीं से ही यह वाला फॉर्म आपको भरना है। देख लो भैया, रेड कलर का मैंने जो है इसमें बना दिया ये आपको चतुर्भुज, ठीक है। अब इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहीं से जाकर यह वाला फॉर्म आपको भरना है ना। और फीस है इसके अंतर्गत, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के भरिएगा, है ना। और नॉन रिफंडेबल फीस है ये, और यहाँ पर बताया लास्ट डेट जमा करने की 22 सितंबर को जो है इसमें अंतिम तिथि है फॉर्म जमा करने की, तो आप कर सकते हैं इसमें जो है ये। और जो भी पूछना है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। तो अच्छी वैकेंसी है ये। और जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में भी संविदा वाली भर्ती में भी 40,000 रुपये सैलरी मिल रही है, पर आप तो फार्म भरते ही नहीं है। अगर आपके पास ग्रेजुएट है, आपने BA BSc कर रखा है, तो भरते क्यों नहीं है भाई। 40,000 रुपये सैलरी है, पंपर वैकेंसी आ चुकी है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये इसमें AB एंटरप्राइजर जो है इसमें जो असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, ये संविदा की भर्ती है। 14 सितंबर जो है लास्ट डेट है इसमें, और लखनऊ से भर्ती आ चुकी है। विभाग का नाम है कौशल विकास मिशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें जो है कौशल विकास मिशन के अंतर्गत जनपद लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है भर्ती आ चुकी है। 40,000 रुपये बहुत होते हैं, और आपको जो है सैलरी इसमें वेतन यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा वेतन 40,000 रुपये, ठीक है। अंतिम तिथि 14 सितंबर, जिसको हिंदी दिवस मनाया जाता है इस दिन। तो प्लीज़ यहाँ फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको जो है सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है। सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जो है आप वहाँ पर जाके ये वाला फॉर्म आप तभी भर सकते हैं, बिना उसके नहीं भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, 6 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर बताया गया आवेदन की अंतिम तिथि है 14 सितंबर 2023। और यहाँ पर जो है ये पद का नाम, यहाँ असिस्टेंट मैनेजर है, और विभाग का नाम कौशल विकास मिशन है ये, ठीक है। संविदा की भर्ती है, आना तो कोई दिक्कत नहीं, संविदा 40,000 रुपये बहुत होते हैं ये। और क्वालिफिकेशन आपको दिखाई दे रही होगी, ग्रेजुएट और कुछ यहाँ पे समकक्ष, अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो ग्रेजुएट तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं ये। और यहाँ पर जो है ये लखनऊ से भर्ती है ये, उत्तर प्रदेश राज्य है ये, आवेदन यहाँ से आपको करना है, यहाँ से आकर यहाँ पर जाके आवेदन आप कर सकते हैं ये। और जो कौशल विकास केंद्र के अंतर्गत जो है ये राज्य व जिले का पदनाम यहाँ पर दे रखा है, ये पदों की संख्या दे रखी है, कहाँ कहाँ पर कितने कितने पद हैं, वही चीज़ मैंने आपको दिखाई है। अभी जो है कौशल विकास के अंतर्गत वही वैकेंसी है ये, मैंने एक तरफ इसका जो है ये मैंने आपको दिखा दिया पूरा ब्यौरा।
और जो इंटर कॉलेज के अंतर्गत जो अशासकीय विद्यालय होते हैं वहाँ पर अशासकीय विद्यालय में सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि जो है लिपिक की भर्ती का विज्ञापन तो हमने निकाल दिया पर भर्ती नहीं की जा रही है। इसमें जो हमारा जो इंटरव्यू रह गया है और आपका टाइपिंग टेस्ट रह गया है और लिखा हुआ है यहाँ पर आप ये देख सकते हैं प्रदेश के जो हैं अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में जो है लिपिक के रिक्त पदों को भरने के संबंध में जो है वो निर्देश विज्ञापन सौंप दिया गया है। इसमें जो है ठीक है यहाँ पर अधिकारियों को विज्ञापन सौंपा गया, अधिकारी जो है मंत्री जी को भेज देंगे जो शिक्षा मंत्री हैं और जल्द से जल्द जो भर्ती करने के लिए बोला जाएगा। अब देखते हैं कितना सच्ची कितना क्या है फिर यहाँ पर जो है कि वो बता दिया गया है ना। और सीधी सी बात जो भी अपडेट मिलेगी क्लर्क भर्ती से रिलेटेड सबसे पहले जो है इसी चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बात करेंगे अब जो मैंने अपनी ओल्ड वीडियो बनाई थी उसमें अभी जो है ये अभी कमेंट आया था कि इसमें किसी भी भर्ती में पैसा मत दो, स्कूल वाले पैसा लेकर काम कराने की बात करते हैं लेकिन काम नहीं होता तो कई कई सालों तक। तो सीधी सी बात क्या ये इनके पेमेंट फंस चुका होगा तो इसलिए बहुत परेशान है। और यहाँ पे जो एडेड स्कूलों में जो है चपरासी भर्ती होगी कि नहीं, पुरानी कब तक होगी, मतलब पुरानी ये सरकारी चपरासी भर्ती की बात कर रहे हैं, सरकारी जो है सैलरी इसमें 24-25 हज़ार के आसपास सरकार की सरकार के द्वारा मिलती है ठीक है। इसमें जो है अखबार का नाम भी पूछ रहे हैं भाई, दैनिक जागरण अखबार में निकाली गई थी भर्तियाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं इसमें जो है इसमें पूछा गया प्लीज़ बताइए गोरखपुर में जो है चपरासी भर्ती जो है इंटरव्यू कब तक होगा, भैया हो चुका है। और ये वाली बात जो है ये इंटरव्यू देखा आए हैं इनका देख लीजिए, आदेश कुमार जी हैं, इन्होंने बोला है कि सर जो इंटरव्यू हो चुका है यहाँ पर देख लीजिए मेरे पास कॉल नहीं आया, तो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए होंगे ना ये इसलिए नहीं आया ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए यहाँ पर बताया गया इसमें जो है कोई भर्ती सेवा योजना से मत डालो, इसमें इंटरव्यू में जो है होने के बाद 1 लाख रुपए की मांग की जाती है। मैंने गोरखपुर बस्ती मंडल का इंटरव्यू दिया है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, कोई भी जो है समय बर्बाद ना करे, मतलब 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं। अभी बताइए गरीब बच्चा कैसे दे पाएगा 1 लाख रुपए ठीक है। तो वही चीज़ इसमें जो है बार बार बता रहा हूँ मैं, मेरा काम अपडेट देने का, भैया अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ, अब आपका काम है ज्वाइन करने का, करो या मत करो ठीक है, आप कीजिएगा या मत कीजिएगा ज्वाइन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम ज्वाइनिंग देने यहाँ पर अपडेट देने का। यहाँ पर लिखा हुआ ज्वाइनिंग कब होगा सर, प्योन तो बोलिया इंटरव्यू में जो हूँ हुआ था, मतलब इंटरव्यू में हो चुका है इनका जो है मऊ में है ना, तो यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर के लिए बोला गया है ठीक है। तो ज्वाइनिंग भी आपका जो करा लिया जाएगा, ज्वाइनिंग पर जो आप समझ सकते हैं पेमेंट लगेगा या नहीं लगेगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, पर इसमें मांगा जा रहा कुछ स्कूलों से जो है। तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध स्कूलों में सफाई कर्मचारी की भर्ती के लिए यहाँ पर अखबार में पहले भी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और अब भी जो है बहुत जल्द जो शुरू होने वाली शिक्षा मंत्री जी के बयान आ चुका है, हम जो हैं यहाँ पर भर्तियाँ बहुत जल्द करेंगे, ऐसा इन्होंने शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। और प्रसिद्ध विद्यालयों में ये देख सकते हैं आप, ये जो है मैंने अपने थंबनेल में लगाया, ये देख लीजिए प्रसिद्ध विद्यालयों सफाई कर्मचारी और चौकीदार की भर्ती की यहाँ पर योजना शुरू हो चुकी है ठीक है। मैं आपको बताता रहूँ अपडेट, अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करियर प्लस, थैंक यू वेरी मच।